इसी घर में रहते थे हमारे राजकुमार जी, जिसे लोग जानी के नाम से भी जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राजकुमार जी का घर। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान पाकिस्तान में हुआ था। ये एक कश्मीरी पंडित थे और इनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। 1940 में जब ये मुंबई आए थे तो माहिम थाने में इन्होंने सब इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के एक्टिंग की दुनिया में कैसे गए, इनका जो स्ट्रगल लाइफ है वो कैसा रहा, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग तो यहाँ पर तिरंगा मूवी जो 1993 में आई थी, जिसमें नाना पाटेकर थे और इनका नाम उसमें सूर्यदेव सिंह था, वो मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे। इनको लोग जानी नाम से भी पुकारते थे और अभी भी उन्हीं के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मुंबई में उनका घर कहाँ पर है और मुंबई में अभी उनके घर में कौन कौन रहता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे और उनके बायोग्राफी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उनकी कई सारी मूवी है, हमराज, मदर इंडिया, तिरंगा, ऐसी ऐसी मूवी है कि कोई भी यहां पर फ्लॉप नहीं गई है। आपको हम बता दें, उन्होंने करीब 70 से 80 मूवी में काम किया है और अपना जलवा इतना जोरों शोरों के साथ बिखेरा है कि उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि राजकुमार जी का घर दिखाइए, तो राजकुमार जी के मुंबई में 3 घर हैं टोटल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनका एक घर दिखाने वाले हैं, उसके बाद जो भी घर बचेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राजकुमार जी के घर के साथ साथ उनके बायोग्राफी के बारे में भी जान लेते हैं। जब आप उनका बायोग्राफी सुनोगे ना तो आप एकदम दंग रह जाओगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फाइनली हम राजकुमार जी के घर के पास पहुंचने वाले हैं और बस हमारे आगे उनका जो गेट है वो दिखने लगा है। तो देखिए, ये जो आपको आगे गेट दिख रहा है, ये वाला, यही है राजकुमार जी के घर का मेन गेट। आप यहाँ पर एड्रेस भी देख सकते हैं। तो ये है वर्ली इलाके में, और जो कि एक सी फेसिंग इलाका है, यहाँ से आपको बांद्रा वर्ली सी लिंक का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो सोचिए, जो हमारे राजकुमार जी थे, फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके इतने फेमस डायलॉग होते थे कि लोग उनका मूवी देखना काफ़ी पसंद करते थे। तो वो जब मुंबई में रहते थे तो इसी बंगले में रहते थे। ये बंगला देखिए काफ़ी शानदार है और देखने में लग रहा है कि हाँ, कोई अच्छा और मतलब महंगा बंगलो है। तो ये इसका मेन गेट है, इसमें भी दो गेट है। देखिए, यहाँ से बांद्रा सी लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं सीधा। और ये आपको वर्ली में आकर थोड़ा सा आगे 200 मीटर आगे जाकर जुड़ा है और इनके गेट से ये पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो काफ़ी ये पॉश इलाका है क्योंकि यहाँ पर और कई सारे एक्टर्स का घर है। और ये राजकुमार जी का जो बंगलो है ना, ये काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ऊपर खिड़कियाँ हैं, कांच लगाया गया है और इस बिल्डिंग को यानी इस घर को, बंगलो को पूरा व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और चारों तरफ से दीवार के ऊपर ये हरे रंग का जो है चादर कह लीजिए या कुछ भी इसको करके ढका गया है। ये है इनके घर का, इनके बंगलों का दूसरा गेट जहाँ पर बंद पड़ा है। देखिए, यहाँ पर ये नाम है जो ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। और इस गेट के ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं। और इनका जो बंगलो है ना, ये जस्ट यहाँ पर हाईवे के बगल में ही है। तो हमारे राजकुमार जी इसी बंगलों में गाइज रहते थे। आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा दें, ये इनके घर के अंदर का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। जो भी बंगला है काफ़ी बड़ा है पीछे तक और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी लगाया गया है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नज़दीक से इनका जो बंगलो है, इनका जो घर है, वो सही से नहीं दिख रहा था। तो काफ़ी शानदार बंगलो है और बहुत ही प्यारा है। तो चलिए, अब थोड़ा सा इनके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने इस घर में कब रहना शुरू किया था और क्या ये इनका पर्सनल घर है या रेंटेड है, और इनके जो जुहू में बंगलो है जो बांद्रा में है वहाँ पर कौन कौन रहता है और इस बंगलो में अभी कौन कौन रहता है, सब कुछ अच्छे से थोड़ा सा जान लेते हैं।
क्योंकि अभी यहाँ पर बंगलों में काफ़ी लोग देखने को मिले हैं गेट के अंदर। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें अब कौन रहता है, और आपको पूरा बायोग्राफी से रिलेटेड भी सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वो थे बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित, यानी कि राजकुमार यानी कि जानी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को इनका जन्म हुआ था, और राजकुमार ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे थे। 1940 का वो दौर था जब ये मुंबई आए थे, और यहीं से इनके हीरो बनने का सफ़र भी तय हुआ। आपको बता दें कि एक दिन रात में पुलिस वालों के साथ ये सब इंस्पेक्टर जी घूम रहे थे, उसी दौरान एक सिपाही ने राजकुमार जी से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं, अगर आप फिल्मों में काम करते हैं तो आप लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को ये बात दिल पर ऐसी लगी कि उन्हें यह बात जच गई, और उन्होंने सिपाही की पीठ पर थपथपाया और उनको उस सिपाही की बात दिल छू गई। आपको बता दें कि राजकुमार जी मुंबई के जिस थाने में काम करते थे वहाँ पर अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की, और उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब इनकी असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो आप लोग इस बंगले को देख सकते हैं जिसमें हमारे इतने महान कलाकार राजकुमार जी यानी कि जॉनी रहते थे, उनका बंगलो देखिए कितना तगड़ा है। आपको बता दें कि जो मूवी के लिए उन्हें पेशकश किया गया था शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया, और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। और वर्ष 1952 से लेकर 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें फिल्मों में जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर बना था, फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली, और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों को वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वो दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह अपनी भूमिकाएं स्वयं चुन सकते थे। 1965 में
फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। बी आर चोपड़ा, आपको बता दें कि इनकी 1965 में प्रदर्शित फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे थे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकिजा में रूमानी भूमिकाएं स्वीकार की जो उनके फिल्म चरित्र से मेल नहीं खाती थी। कमाल अमरोही की फिल्म पाकिजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी और फिल्मी करियर में ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां पर वो सभी फैंस के दिल पर राज करने लगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ राजकुमार जी बेहद ही मुफट आदमी भी थे और जो दिल में आता था वो सबके सामने बोल देते थे। एक बार राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझट शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि सर, आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार जी उनकी शर्ट पहनेंगे, लेकिन दो दिन चीची ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। और उसी के दौरान एक पार्टी में संगीतकार बप्पी अखट राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला था, खुला ही रह गया। आपको बता दें कि जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में उस समय फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा तारीफ के दो चार शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेगी। जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा आप तो समझ ही सकते होंगे कि यानी जीनत के बारे में राजकुमार जी को पता ही नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें, आप लोग जो ये वर्ली का इनका बंगलो देख रहे हैं, ये राजकुमार जी का खुद का बंगलो नहीं था। ये इस पे रेंट पर रहा करते थे, लेकिन काफ़ी सालों तक इसमें उन्होंने अपना वक्त बिताया है। इनका एक बंगलो है जो कि जुहू में है और उसमें अभी कोई नहीं रहता है, और इनका एक घर बांद्रा में है जहां पर इनके बेटे अभी भी रहते हैं। तो ये बंगलो जो आप लोग देख रहे हो ना, इस बंगलो में राजकुमार जी करीब 15 साल तक रहे हैं। सोचिए, 15 साल तक कोई मामूली चीज नहीं होता है। तो धीरे धीरे 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। आपको बता दें, राजकुमार जी अकेले में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार जी ने शायद यह महसूस कर लिया था कि उनकी मौत अब काफ़ी करीब है, इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसानियत का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। अपने संजीदा अभिनय से लगातार 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, आपको बता दें, उनकी जब मृत्यु हुई ना, तो सिर्फ उस समय उनके एक ही दोस्त उनके पास थे। खुद उन्होंने अपने बेटे से उनको बुलवाया था और उन्होंने कहा था कि मेरी मौत का यहाँ पर किसी को पता ना चले और कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो या मीडिया हो, किसी को मेरा अंतिम समय ना पता चले। तो सोचिए, ऐसे महान अभिनेता, इतने दिग्गज अभिनेता 1996 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और राजकुमार जी के पुत्र जो हैं पुरु राजपूत, वो अभी बांद्रा के बंगले में रहते हैं और इनका एक बंगला है जुहू में, उसका भी ब्लॉग में जल्दी ही शूट करके दिखाऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही।
जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।